नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं इस वक्त आपको बता दूं कि पंचायती चुनाव का घोषणा हो चुका है और बिहार में भी पंचायती चुनाव होगा। हिलसा प्रखंड के विभिन्न पदों के लिए चुनाव के लिए लोग अपना अपना दावा कर रहे हैं और उम्मीदवारी जता रहे हैं। प्रचार प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में जोर शोर से हो रहा है क्योंकि पंचायती राज चुनाव होना है। इस वक्त हमारे साथ हैं 12 पंचायत के भावी उम्मीदवार सिंटू जी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया पद के लिए। और क्या कहेंगे इस वक्त सर? हम चाह रहे हैं कि जनता के बीच हम भी सरकारी प्रस्ताव लाकर जनता को खुशहाल बनावें, जो हमारे पंचायत में बहुत पहले से कुछ नहीं हुआ जो हम करना चाहते हैं। यानी सरकार की जो योजना है उसको धरातल पर उतारने का काम करेंगे आप? जी, सरकार का जो भी कोई भी फंड आवेगा हम जनता तक पहुंचाने की भर कोशिश प्रयास करेंगे। अधिकांश मुखिया का रहता है कि जीत जाते हैं वो कार्यालय नहीं जाते हैं, जिसके कारण फंड भी नहीं, उन्हें पता भी नहीं चल पाता है। लेकिन आप कार्यालय जाते हैं, पता करिएगा और क्या क्या आवश्यकता है। नल जल योजना हो गया या सड़क योजना हो गया या अन्य वैसे पर आप काम करने का काम। हमको कार्यालय भी जाना है और उसके बावजूद माने कि जितना योजना हो, माने जैसे आदमी मरता है तो गली नली सरकारी योजना जितना भी फंड लड़कियों को पढ़ाने के लिए, लड़का को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, जितना यदि फंड यदि पंचायत में बनता है तो हम बनवाने के लिए हम सरकार से फंड लाने का प्रयास करेंगे। यानी अंतर्राष्ट्रीय योजना के तहत बहुत सारे ऐसे मुखिया होते हैं जो लाभ नहीं दे पाते हैं, 3000 का जो मिलता है। यानी वैसे में आप चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति को लाभ मिले। यदि फिर सरकार से वैसा योजना आता है तो हम हर व्यक्ति को एक योजना चल रही है, योजना यदि चल रही है तो हम हर आदमी के पास पहुंचाने के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे। अगर कोई समस्या आती है तो उसे भी समाधान करने का काम करेंगे? कोई भी समस्या आएगा छोटा मोटा, हम उसको भी समाधान करने के लिए, यदि हमको जनता फिर चुन लेगा तो हम उस समस्या को समाधान करने के लिए तत्पर।